वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मोहित अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है उससे पहले चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बोलते ना, मैं भूल गई हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करके हमें बताएं कि आप कौन सी वीडियोस पर रिएक्शन चाहते हैं। और एक बात, कौन सी मुझे, मैं बोलती हूँ, आप बोले ना, कौन सी? बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास टाइम टू टाइम दिखाए ना, टाइम टू टाइम पहुँच जाए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आज की हमारी वीडियो, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है हिंदी में S-400 से रिलेटेड कोई बात हो रही है, देखिए दोस्तों। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग इतनी लंबी खींच सकती है, इसका अंदाजा तो किसी ने भी नहीं लगाया था। हर एक नए दिन के साथ रूस के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। हालात यह है कि इस समय रूस दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शन वाला देश बन चुका है। इससे पहले ईरान था जिस पर सबसे ज्यादा सैंक्शन वर्ल्ड वाइड लगा हुआ था। आज रूस ईरान नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की श्रेणी में आ चुका है। आधी से ज्यादा दुनिया उससे किनारा कर चुकी है। इसी बीच हर एक दिन के साथ रूस के ऊपर भारी दबाव भी बन रहा है। यूएन से लेकर अब इंटरनेशनल कोर्ट तक ने आदेश दे दिया रूस को कि फौरन इस युद्ध को रोके, मगर पुतिन किसी की भी सुनते हुए नजर नहीं आ रहे। युद्ध तो अभी भी जारी है, लेकिन इस युद्ध ने रूस की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया। इस समय रूस के पक्ष में कुछ है तो वो ये है कि दुनिया की दो बड़ी मार्केट उसके साथ खड़ी है। साथ ही ये दोनों देश बेहद ताकतवर है, एक भारत है और दूसरा चीन है। यही कारण है कि रूस अभी भी बौखलाया हुआ नहीं है इतने सैंक्शन के बावजूद। वहीं इस समय भारत को लेकर दुनिया में खींचातानी चल रही है, और इसी बीच रूस ने S-400 का भी बाप भारत को देने की बात कही है। अभी पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि भारत सैन्य डील रूस से जारी रखा हुआ है। साथ ही 12 नए Sukhoi-30 MKI विमान जो कि Sukhoi-35 के फीचर से लैस होंगे, उसकी डील भारत रूस से कर रहा है। साथ ही एक तरफ जहां 3 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल की डील भारत कर चुका है, वहीं अब तैयारी इससे 5 गुना ज्यादा 15 मिलियन बैरल ऑयल खरीदने की बातें भारत और रूस के बीच चल रही है। यही कारण है कि रूस की तरफ से S-500 का ऑफर भारत को दिया जा रहा है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि रूस से सबसे ज्यादा हथियार भारत ही खरीदता है, और रूस की इकोनॉमी में भारत का एक बड़ा रोल है। दुनिया जहां इस समय दो खेमों में बटी हुई है, वहीं भारत वो देश है जो जिस खेमे में चला जाएगा, ऐसे में वो खेमा दूसरे देश पर हावी हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ नाटो सहित पावरफुल वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो दूसरी तरफ रशिया, चाइना, ईरान जैसे देश हैं। अगर भारत रूस की तरफ चला जाता है तो रशिया, चाइना, भारत की यह तिकड़ी दुनिया पर भारी पड़ जाएगी। यही कारण है कि रूस भारत और चीन के रिश्ते सुधारने का प्रयास कर रहा है, जिसके चलते अब तो चीन के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी खुद भारत दौरे पर इसी महीने आ रहे हैं। लेकिन ये बात रूस और अमेरिका दोनों को पता है कि पूर्ण रूप से भारत को किसी पक्ष की तरफ झुकाना बहुत मुश्किल है, और यही भारत की फॉरेन पॉलिसी की सफलता है। क्योंकि भारत वेस्ट को भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कल को चाइना से विवाद बढ़ा तो वेस्ट ही हमारे साथ खड़ा होगा। भारत इस समय दुनिया में न केवल बैलेंस बना रहा है बल्कि एक गजब की कूटनीति भी पेश कर रहा है। बहरहाल दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-500 को लेकर रूस की तरफ से क्या कहा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए नई दिल्ली में रूसी राजदूत ने कहा है कि मैं आपको रशिया की तरफ से ये कंफर्म कर देता हूँ कि अगर भारत रूस से S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने में दिलचस्पी दिखाता है तो रशिया निश्चित रूप से भारत को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम सेल करने के लिए उन सभी संभावनाओं को एक क्लोज स्टडी करेगा, ताकि संभावनाओं को तलाश कर इस डील को पूरा किया जा सके। वहीं उनका यह भी कहना है कि इन सभी संभावनाओं की क्लोज स्टडी करने की तैयारी रशिया कर भी रहा है। इससे पहले पिछले साल रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि भारत उनके S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का पहला फॉरेन बायर बन सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत को S-500 डिफेंस सिस्टम के साथ जाना चाहिए या नहीं। एक बार S-500 की खूबियों को बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं, जिससे अंदाजा लगाना आसान हो सके कि यह हमारे लिए कारगर साबित हो सकता है या नहीं। S-500 डिफेंस सिस्टम को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह से नई पीढ़ी के हथियारों के रूप में विकसित किया गया है। वहीं अगर जरूरत पड़े तो यह सिस्टम अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को भी उनके उड़ान पथ के अंतिम चरण में नष्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, जो सबसे खास बात
S-500 की है, वो हाइपरसोनिक विमान और मानव रहित हवाई वाहनों UAV को भी नष्ट करने में सक्षम है। S-500 वायु रक्षा प्रणाली हर प्रकार के हाइपरसोनिक हथियार, यहाँ तक कि निचले अंतरिक्ष में मौजूद हवाई लक्ष्य को भी नष्ट करने में सक्षम है। यह रक्षा प्रणाली वाकई अद्भुत है। S-500 मिसाइल सिस्टम 600 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मनों की बैलिस्टिक मिसाइलों और लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर विमान को मार सकता है। अब यहाँ पर हमारे देश के कई बुद्धिजीवी लोग ये बताते हैं कि हमें यह सिस्टम नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि हम BMD सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं, जो कि कुछ हद तक सही भी है, लेकिन BMD सिस्टम कब पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। हालांकि इसका फेज 1 बन चुका है, दूसरी तरफ S-400 भी आना शुरू हो चुका है। BMD सिस्टम और S-400 को ध्यान में रखकर भी भारत S-500 के बारे में जरूर सोचेगा, क्योंकि आपका डिफेंस सिस्टम जितना मजबूत होगा दुश्मन आपसे उतना ही डरेगा, क्योंकि वह समझ जाएगा कि हम मिसाइल दागेंगे तो उनका डिफेंस सिस्टम तो रोक लेगा, लेकिन जब वो मिसाइल दागेंगे तो उनके देश में भारी तबाही मच जाएगी। उदाहरण के तौर पर इसराइल, जो कि अपने आयरन डोम की वजह से पॉपुलर है, इस लिहाज से भारत जितनी लेयर की डिफेंस सिस्टम सीमा पर लगाएगा उतना ही कम चांसेस रहेगा दुश्मन की मिसाइल हमारी सीमा में आने का। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल जैसे पाकिस्तान में घुस गई उनके डिफेंस सिस्टम, उनके एयरफोर्स, आर्मी, किसी को भी कानो कान खबर नहीं पहुंची। आपके हिसाब से क्या भारत को S-500 को लेकर रूस से डील करनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। जी जनाब, आपको क्या लगता है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। पहले तो ये है कि मुझे लगता है कि लेना इसलिए चाहिए कि इस वक्त ना सिर्फ वो लेना है बल्कि दूसरे मायनों में रशिया की हेल्प है। इस वक्त रशिया पूरी दुनिया से कटा हुआ है और इस वक्त अगर कोई भी देश किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो गंदम हो, कुछ भी हो, तो वो रशिया को एक तरह से सपोर्ट हो रही है। तो मतलब दूसरे मायनों में भी इंडिया बहुत सपोर्ट कर रहा है। अगर हम देखें तो जैसे कि हमने पिछले दिनों ही सुना, वीडियोस देखी कि 3 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल लिया और अभी 15 मिलियन बैरल तक जाने का इरादा भी है। इसके अलावा वीट भी उन्होंने फराहम करने का सोचा है रशिया को, क्योंकि रशिया में बहुत किल्लत हो रही है इन चीज़ों की। तो कहीं ना कहीं चारे किनारों में या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं तो ये कहूँगी कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है। फिर रशिया भी चाह रहा है कि चाइना और इंडिया के ताल्लुक बहुत अच्छे उस्तवार हो जाए, ताकि बाद में मतलब यही कंट्रीज उसके साथ हैं तो मतलब कोई बदमस्ती, कोई परेशानी ना हो। फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि फिर भी हेल्प तो हो ही रही है। तो मजीद आपको लगता है नहीं, हेल्प ना सिर्फ हेल्प बल्कि अपना भी फायदा, दो चीज़ें हो रही हैं। आज नहीं S-400 है, आज नहीं कल S-5 भी खरीदेगा, ठीक है, घर से बात। लेकिन एक चीज़ होती है कि मैं साल बाद खरीदूँ मुझे वो रेट नहीं मिलेंगे तो जो आज इत्तेफाक से मिले। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि हमारा एक BMG सिस्टम भी तैयार हो रहा है जिसका फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ऑलरेडी अगर ओवरऑल देखें, हम इस वीडियो को थोड़ा सा मतलब साइड करते हैं, हम दूसरी वीडियोस से भी आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं जो हमने देखा है इंडिया का डिफेंस सिस्टम। तो ऑलरेडी हम ये समझ चुके हैं, जो पिछले दिनों मिसाइल वाला जो मामला हुआ था उसके बाद ही हम समझ चुके हैं कि हमारा तो सिस्टम बहुत ही नाकिस है। उनका तो ऑलरेडी बहुत पावरफुल है डिफेंस सिस्टम, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने कर भी लिया है और करना भी चाहिए, अच्छी बात है, ताकि दूसरे मुल्क घबराएं और हमला करते हुए 1000 बार सोचें। लेकिन अभी मजीद आपको लगता है कि इस चीज़ की आवश्यकता है? देखो, ये इस तरह से अभी हम देख सकते हैं कि S-400 तक ही नहीं पहुंचे अभी तो बहुत सारे कंट्रीज। हाँ, और S-400 का भी पूरी तरह आए नहीं, आई नहीं। मैं कह रहा हूँ कि एक ये चीज़ भी देखी जा सकती है, और दूसरा इंडिया के जो रिजर्व है, जो एक बजट होता है डिफेंस का, वो कितना है और अगर मिल भी रहा है S-5 तो कितना सस्ता मिल रहा है, कितना उस पर एक डिस्काउंट टाइप चीज़ मिल रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इंडिया इस वक्त रशिया को माली सपोर्ट करता है, माली वो सपोर्ट में चली जाएगी, बिल्कुल, तो अगर रशिया के पास कोई चीज़ है जो इंडिया को जरूरत है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। अब दो थोड़ा सा बात को समझिए कि वो चीज़ अभी क्यों ना ले लो, तो ये कि आज नहीं तो आते आते साल दो साल लग जाएंगे तो आज एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे, तो कल जो आज की कोई चीज़ होती है वो 6 महीने बाद साइन होंगे S-500 के हवाले से। रशिया इंडिया जाएगा, रशिया के पास मुझे ये खरीदना है, तो वो जब साइन होंगे साल बाद तो वो कोई और रेट होंगे। इस वक्त इस कंडीशन में अगर जोश, अच्छा एक चीज़ ये है कि बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ रशिया, क्योंकि रशिया ने जो चीज़ें बना ली हैं, जो चीज़ें उनके पास पड़ी हुई हैं, तो वो रशिया सेल करना चाहेगा अपनी इकोनॉमी को सहारा देने के लिए। सही है, ठीक है। लेकिन एक बात ये भी है कि मुझे बॉडी शॉप पे 70% ऑफ मिल रहा है, मेरे घर में खाने को भी नहीं है, मतलब मैंने बजट हटा के रखा है अपने राशन का।
अब मुझे कहीं पे ऑफ मिल भी रहा है तो मैं ये सोचूंगी, आपने पहले भी एक दफा जिक्र किया था कि डिफेंस तो मजबूत बनाना चाहिए लेकिन सब कुछ डिफेंस पे नहीं लगा देना चाहिए, कुछ आवाम जनता मुल्क के लिए भी, मुल्क के भी कार्य के लिए भी, मुल्क के प्रोग्रेस के लिए भी, बहुत ऑलरेडी भी बहुत हो रहा है, हम इस बात को डिनाइड नहीं कर सकते, बहुत काम हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरी चीज़ों को लेकर। तो मैं ये कहूँगी कि जाहिर सी बात है S500 बहुत ऐसा तो है नहीं कि लाखों में बात होगी, करोड़ों में ही जाएगा, ठीक है, बिलियंस में ही जाएगा, तो क्यों ना वहाँ से बचा के दूसरे कामों में, मुल्क की तरक्की के विकास में। अभी आपने खुद बताया कि हमारा बजट क्या है, तो इस पे हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता, हमें आइडिया नहीं है बिल्कुल इसका बजट कितना है, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखकर तय होता है ना, उस टाइम पे निकाल लिया जाता है डिफेंस का बजट। हाँ बिल्कुल, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखकर मैं ये कहूँगी कि अगर है बजट तो लेना चाहिए, अच्छी बात है कि मजीद मजबूत हो जाए, और अगर आपको लगता है कि नहीं इतना नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा, हम ऑलरेडी बहुत कुछ ले चुके हैं या कर चुके हैं, तो फिर दूसरे तरीके से भी मदद की जा सकती है, जैसे कि इंडिया कर भी रहा है। तो और दूसरी चीज़ है कि वो वाली मदद से तो क्लियर हो जाएगा कि रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं जब, लेकिन यहाँ अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो दूसरी दुनिया इतनी उंगली नहीं उठाएगी कि हमने तो खरीदारी की, ठीक, एक होता है कि आपने सपोर्ट किया तो दूसरी दुनिया कहेगी कि आपने समय हमें मारने के लिए पैसे दिए, आपने उनको सपोर्ट दिया कि हम पे जुल्म करें, तो खरीदारी की है उसमें इशू कम होता है। तो फार्मास्यूटिकल के बारे में भी हमने सुना कि उसको भी लेकर रशिया बहुत रुझान दिखा रहा है कि इंडिया से ही मेडिसिन वगैरह मंगवाई जाए, ली जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया के पास, मैं ये कहूँ कि एक आउट ऑफ बॉक्स सोचने का एक मौका है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत सारी आगे भी सामने भी, जिससे डिफरेंट मौके से डिफरेंट तरीके से भी मदद की जा सकती है। तो जैसे मेडिसिन को लेकर मैंने मीट का भी कहा आपको, क्रूड ऑयल का भी कहा, एक्सपोर्ट ट्रेड तो चल सकता है, हो सकता है, और क्यों, मैं ये कहूँगी कि अब वो रुकने वाला भी नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ तक आइडिया हुआ है इंडिया को लेकर कि इंडिया ट्रेड करेगा रशिया से, चाहे कंट्रीज कुछ भी कहें, कर रहा है और मजीद भी करेगा, ऐसा नहीं है कि वो प्रेशर में आके रोक देगा या नहीं करेगा। और जैसे कि चाइना के साथ भी ताल्लुकात उस्तवार हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ईरान, चाइना और इंडिया अब रशिया का साथ नहीं छोड़ने वाले, आप इसको कुछ भी एक तरह से आपने जो भी नाम दिए प्रॉपर ब्लॉक का नाम नहीं छोड़ने वाले, ब्लॉक बन गया और एक दूसरी तरफ ब्लॉक बना है, रशिया को सिर्फ और सिर्फ ये जो चंद कंट्रीज है अच्छा एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे रशिया की बहुत फिक्र हो रही थी, आपको पता है कुछ दिनों तो अभी इन्होंने एक सेंटेंस बोल दिया कि रशिया को टेंशन की बात नहीं, क्योंकि रशिया के साथ तो दो बड़ी मार्केट खड़ी है, यूरोपियन यूनियन ना दे साथ। अभी आपने कहा ना आप रशिया की फिक्र होती है, मैं समझा रशिया जाने में लेकिन लोग अब क्या कर रहे हैं, इतनी आवाम को, मासूमों को मरवा रहे, बच्चों को मरवा रहे, बूढ़ों को मरवा रहे, फैसला हो गया वो जो नेटो वाले हैं उनकी बातें कर रहे हैं, गलत कर दिया ना, गलत कर दिया उनको, और ये समझे थे और नेटो वाले समझे थे इनको दबा लेंगे, इनको ये नहीं पता था इनके साथ दो दो मार्केट्स हैं इतनी बड़ी। आप खुद बताएं चाइना और इंडिया अगर मिल जाए तो मुझे तो लगता नहीं है कि उनको वहाँ पर जाने की जरूरत, अमेरिका के पास जाने की जरूरत ही पड़ेगी, सब मैं ही कहूँगी वो सब प्रोवाइड कर सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।